इनपुट टाइप्स को देखने के बाद अब हम कुछ कॉमनली यूज होने वाले इनपुट एट्रीब्यूट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक फॉर्म क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे एक इनपुट फील्ड क्रिएट करता हूँ और टाइप रखता हूँ इस इनपुट फील्ड का टेक्स्ट। तो सबसे पहला जो एट्रीब्यूट है हमारे पास वो है नेम एट्रीब्यूट। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ नेम। नेम क्या है? एक एट्रीब्यूट है और इस नेम को मैं वैल्यू असाइन करता हूँ, लेट्स सपोज यूजर नेम। अब ये नेम एट्रीब्यूट क्या कर रहा है? यहाँ पे हम इस इनपुट फील्ड को नेम असाइन कर रहे हैं। इस इनपुट फील्ड को हमने कौन सा नाम असाइन किया है? यूजर नेम। हम ये क्यों करते हैं? जब हम यूजर से डेटा लेते हैं और यूजर वो डेटा सबमिट करता है तो डेटा सर्वर पे की वैल्यू पेयर की शक्ल में सबमिट होता है। तो इस की वैल्यू पेयर में की कौन सी होती है? ये जो नेम है, मतलब नेम की जो वैल्यू है यहाँ पे यूजर नेम, ये यूजर नेम क्या है? की है। और वैल्यू कौन सी होगी? जो यूजर एंटर करेगा, मतलब सबमिट करेगा। तो ये डेटा कौन सी शक्ल में जाएगा? की वैल्यू पेयर की शक्ल में, मतलब यूजर नेम जॉन इस शक्ल में जाएगा। तो की ये वाली वैल्यू होगी और वैल्यू जो यूजर एंटर करेगा वो होगी। तो इसलिए हम इनपुट फील्ड को नेम असाइन करते हैं। दूसरा इनपुट फील्ड क्रिएट करता हूं मैं, टाइप इसका भी लेट सपोज टेक्स्ट ही रखते हैं। दूसरा एट्रीब्यूट है हमारे पास वैल्यू एट्रीब्यूट। वैल्यू एट्रीब्यूट यहाँ पे मैं वैल्यू लेट सपोज असाइन करता हूं सैयद। तो वैल्यू एट्रीब्यूट के जरिए हम क्या करते हैं? इनपुट फील्ड को वैल्यू असाइन करते हैं। ये वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू होती है। जब यूजर ये फॉर्म ओपन करेगा तो बाय डिफॉल्ट इसे ये वाली वैल्यू नजर आती है। अब यूजर इसे एडिट कर सकता है लेकिन बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू नजर आती है। तीसरा जो एट्रीब्यूट है, लेट सपोज यहाँ पे मैं एक इनपुट फील्ड क्रिएट करता हूँ और टाइप इसका भी टेक्स्ट ही रखते हैं। तीसरा जो एट्रीब्यूट है वो है प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट। प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट के जरिए हम क्या करते हैं? लेट सपोज यहाँ पे मैं टाइप को मैं चेंज करता हूँ ईमेल और प्लेस होल्डर को मैं वैल्यू देता हूँ एंटर योर ईमेल। प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट के जरिए हम क्या करते हैं? यूजर को हिंट देते हैं कि किस किस्म का डेटा आपने इस फील्ड में एंटर करना है। तो प्लेस होल्डर की जो वैल्यू है या प्लेस होल्डर में हमने जो टेक्स्ट दिया हुआ होता है वो कुछ इस तरह नजर आता है यूजर को, एंटर योर ईमेल। ये देखिए यहाँ पे हमने ये वैल्यू दी है प्लेस होल्डर को और फील्ड में ये इस तरह नजर आता है। तो ये हिंट के लिए होता है। चौथा जो एट्रीब्यूट है वो है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। इसे मैं इधर ही यूज करता हूँ, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट क्या करता है? जब यूजर डेटा सबमिट करता है तो ये वाला फील्ड मस्ट फिल करना होता है, मतलब लाजमन फिल करना होता है। रिक्वायर्ड का मतलब कि ये फील्ड आपने लाजमन फिल करना है। अगर आप ये फील्ड फिल नहीं करोगे तो आपका डेटा सबमिट नहीं होगा। तो रिक्वायर्ड हम इसलिए यूज करते हैं कि यूजर ने ये वाला फील्ड लाजमन फिल करना होता है। पांचवा एट्रीब्यूट है हमारे पास डिसेबल्ड एट्रीब्यूट। डिसेबल्ड को मैं लेट सपोज यहाँ पे यूज करता हूँ, आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। डिसेबल एट्रीब्यूट क्या करता है? डिसेबल एट्रीब्यूट का मतलब है कि आप इस इनपुट फील्ड को ना एडिट कर सकते हो ना सेलेक्ट कर सकते हो। तो जिस इनपुट फील्ड के साथ हमने डिसेबल यूज किया है यहाँ पे आप देख सकते हो, आप ना तो उसे एडिट कर सकते हो और ना सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखे तो ये ना एडिट हो सकता है ना सेलेक्ट हो सकता है। छठा एट्रीब्यूट है हमारे पास रीड ओनली एट्रीब्यूट। लेट सपोज रीड ओनली को मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, रीड ओनली। अब रीड ओनली एट्रीब्यूट क्या करता है? रीड ओनली का मतलब है कि आप सिर्फ रीड कर सकते हो, मतलब
एडिट नहीं कर सकते इस फील्ड को, इस फील्ड में आप चेंजेस नहीं कर सकते। तो जहाँ पे मैंने रीड ओनली यूज़ किया है वह आप देख सकते हो कि आप चेंजेस नहीं कर सकते, मतलब उस फील्ड को आप एडिट नहीं कर सकते। ये देख के यहाँ पे हमने यूज़ किया है तो मैं इसे एडिट नहीं कर सकता। सातवां एट्रीब्यूट है हमारे पास मेन और मैक्स का। तो यहाँ पे मैं एक इनपुट फील्ड क्रिएट करता हूँ और टाइप रखता हूँ इसका नंबर। अब मिन मैक्स क्या करता है, मिन मैक्स के जरिए हम एक रेंज स्पेसिफाई करते हैं कि इस रेंज में वैल्यू आपने एंटर करनी है, इस रेंज से कम और ज़्यादा वैल्यू आप एंटर नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे मिन को वैल्यू देता हूँ 100 और मैक्स को 105। ये रेंज आप अपनी मर्जी के मुताबिक स्पेसिफाई कर सकते हो। तो ये वाला जो इनपुट फील्ड है यहाँ पे अगर आप क्लिक करो तो आप देख सकते हो कि मिनिमम वैल्यू 100 से स्टार्ट हो रही है और मैक्सिमम 105 तक जा रही है। तो ये जो रेंज है ये है 100 से लेकर 105 तक, मतलब यूज़र 100 से लेकर 105 तक की वैल्यू यहाँ पे एंटर कर सकता है, इससे कम या ज़्यादा की वैल्यू एंटर नहीं कर सकता। तो मिन मैक्स के ज़रिए हम रेंज स्पेसिफाई करते हैं। आठवां एट्रीब्यूट है यहाँ पे मैं इनपुट फील्ड क्रिएट करता हूँ और टाइप रखता हूँ इसका फाइल। फाइल के ज़रिए हम क्या करते हैं, अपनी कंप्यूटर सिस्टम से कोई फाइल अपलोड करते हैं फॉर्म में। तो इसके साथ हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं एक्सेप्ट का। एक्सेप्ट एट्रीब्यूट के ज़रिए आप क्या स्पेसिफाई करते हो, आप स्पेसिफाई करते हो कि यूज़र किस किस्म का फाइल अपलोड कर सकता है। लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि यूज़र सिर्फ PDF का फाइल अपलोड कर सकता है, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा .pdf। यूज़र क्या कर सकेगा, चूज़ फाइल पे क्लिक करेगा और सिर्फ PDF का फाइल अपलोड करेगा। अगर आप चाहते हो कि डॉक का फाइल भी अपलोड हो तो यहाँ पे आप टाइप करोगे .doc। अब दो तरह की फाइलें यूज़र अपलोड कर सकेगा, PDF और डॉक। तो यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि यूज़र किस टाइप की फाइल अपलोड कर सकता है। तो ये तो थे कुछ कॉमनली यूज़ होने वाले इनपुट एट्रीब्यूट्स।